नमस्कार, बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है उत्तराखंड में कर्नल अजय खोटियाल होंगे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, भड़काऊ, धमाकेदार। और कांग्रेस और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी लाने वाली खबर है ये, ऐसा आम आदमी पार्टी का दावा है। आम आदमी पार्टी के समर्थन कह रहे हैं कि ये काफी खतरनाक चीज है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। वहीं बीजेपी ने कहा है, अभी वो थोड़े कम एक्सपीरियंस है, वैसे बीजेपी हल्के में ले रही है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस भी हल्के में ले रही है। और लेकिन आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि अजय कोठियाल जी उत्तराखंड में सीएम फेस होंगे, तो कुछ देखते हैं बवाल होने वाला है उत्तराखंड के अंदर। ऐसे हर पार्टी अपना पक्ष रखेंगी, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, और आम आदमी पार्टी कंटेंडर तो बन चुकी है, यानी अब तीन पार्टियों के बीच मुकाबला है उत्तराखंड के अंदर। तो मेरे ख्याल से उत्तराखंड में बवाल होने वाला है, कोई भी जीते, क्योंकि मैं भविष्यवाणी तो करता नहीं हूँ भाई, कोई भी जीत सकता है चुनाव के अंदर, जिसको जनता पसंद कर ले भाई, मैं जनता तो हूँ नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो उत्तराखंड के अंदर बवाल होने वाला है, मज़ेदार बवाल होने वाला है। एक फौजी आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, आमतौर पर आम आदमी पार्टी को गद्दार बोलते हैं बीजेपी वाले बोलते हैं। अब आम आदमी पार्टी ने एक फौजी को ही टिकट दे दिया, फौजी को ही मतलब सीएम कैंडिडेट बनवा दिया। तो फौजी जिसने दो गोलियां खाई थी, अभी भी उसके पीठ में दो गोलियां हैं, और जिसने बहुत सारे बलिदान भी दिए हैं देश के लिए, तो देशभक्ति में अब आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे सकती है। पता नहीं कौन देशभक्त है, कौन वो है भाई, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता, कोई मैं भविष्यवाणी करता तो नहीं क्या होगा चुनाव में, आप अपना फैसला कीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, बवाल होने वाला है, चुनाव के अंदर मच जाएगी भाई। ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक क्यों करेगा बीजेपी कांग्रेस वाले, जिसको करना उसको कर दो भाई। जी हाँ दोस्तों।